और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर अंजू के इस्लाम अपनाने की पुष्टि अब हो गई है। टीवी 9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको बताया था अंजू फातिमा बन चुकी है। अंजू के सामने शख्स ने कहा उसका नया नाम फातिमा। नसरुल्ला की मौजूदगी में इस्लाम अपनाने की बात सामने आई है। पाकिस्तान पहुंची अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इस बात की पुष्टि अब कर दी गई है, अंजू फातिमा बन चुकी है। और यह खबर सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने ही आपको बताई। तो अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस बात की पुष्टि भी अब कर दी गई है। टीवी 9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको बताया था कि अंजू फातिमा बन चुकी है। अंजू के सामने ही शख्स ने कहा उसका नया नाम अब फातिमा है। नसरुल्ला की मौजूदगी में ही इस्लाम अपनाने की, इस्लाम कबूल करने की बात अब सामने आई है। ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं गुलाम अब्बास। गुलाम, इस बात की यानी आप कह दें कि पुष्टि हो चुकी है कि अंजू अब फातिमा बन चुकी है? देखिए, इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके सीईओ मोहसिन अब्बासी जो थे वो कल पहुंचे थे अंजू के गांव में, नसरुल्ला के गांव में, और वहां पर जाकर उन्होंने अंजू को एक 40 लाख रुपए का 10 बंगले का एक प्लॉट गिफ्ट किया था, 7 करोड़ 50 हजार का चेक दिया था और साथ कुछ गिफ्ट दिए थे। उसके बाद उन्होंने जो बात की, जो वीडियो टीवी 9 के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि अंजू क्योंकि फातिमा बन चुकी है और ये भारत छोड़ के पाकिस्तान आ चुकी है और इसने अपना देश भी छोड़ा है, धर्म भी छोड़ा है, इस्लाम कबूल करने के बाद ये शादी कर चुकी है रसूलुल्लाह से, तो अब इसको प्रोटेक्शन फील करवाना, इसको ये फील करवाना कि ये किसी ऐसे रिलीजियस में या ऐसे धर्म में नहीं आई है कि जिसपे उसको चिंता हो कोई, या ऐसे कंट्री में नहीं आई है कि जो नया कंट्री उनको फील हो, इसलिए हम उनको ये तमाम गिफ्ट देने आए हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अंजू को पाकिस्तान में जॉब की, नौकरी का भी बंदोबस्त किया जाएगा। यानी कि ये भी अब बात खुल के सामने आ रही है कि हो सकता है अंजू भारत वापस ना जाए, क्योंकि अगर उसको यहाँ पर जॉब का बंदोबस्त किया जाता है और यहाँ पर उसकी नौकरी लग जाती है तो इसका मतलब यही है कि वो अंजू भारत शायद वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन हालांकि अभी तक अंजू के पास जो वीजा है वो वैलिड वीजा 21 अगस्त तक का ही है, उसके बाद अंजू को रहने के लिए डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ेगी और प्रोसेस बहुत लंबा होगा, तो ये मुश्किल दिखाई जरूर दे रहा है। लेकिन एक बात की कंफर्मेशन जिसको अंजू बार बार छुपा रही थी, टीवी 9 इससे पहले वो डॉक्यूमेंट सामने लाया था जी। अब इन्होंने इस्लामिक नेम रखा है तो हम बुनियादी तौर पे इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहां से ट्रेवल करती है, यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए और इस्लाम के अंदर वेलकम करने के लिए भी आए कि ये जो अंजू नाम की लड़की है, जो जिनका ये ससुराल है यहाँ पे जो आई है हिंदुस्तान से, और इनका जो नाम फातिमा भी जो नाम यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक नेम रखा है, तो हम बुनियादी तौर पे इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहां से ट्रेवल करती है, यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए और इस्लाम के अंदर वेलकम करने के लिए भी आए। इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अंजू ने पहले अपने निकाह की बात को भी डिनाई किया था और इसको लेकर भी जो उनकी तरफ से कहा गया था, आपको सुनवाते हैं। सारे लोग भी और इनको भी उससे भी बेटर पाया मैंने, जैसे मैं इतने सालों में देखा, और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे लोग हैं और सारा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट पे आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं एक दो दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ और अभी हम इनसे मिलके इनकी फैमिली से मिले हैं, बहुत अच्छे फैमिली हैं, पड़ोसी अच्छे हैं, जगह बहुत खूबसूरत जगह है और अभी हम वापस जा रहे हैं और कोई मसला नहीं है।
गुलाम अब्बास, अंजू एलियास फातिमा की कहानी में कई सारे लूपहोल्स नजर आते हैं। पहले उन्होंने अपने निकाह की बात को या कहें सगाई की बात को डिनाई किया, वो भी कैमरा पर, कहा कि ना हमारा निकाह हुआ है ना हमारी सगाई हुई है। फिर अंजू से वो फातिमा बनी है नहीं बनी है ये बात भी उनसे मिलने वाले लोग कह रहे हैं, वो खुद नहीं कह रही है। तो किस बात को सच माना जाए, किसको ना माना जाए, इस पर भी कई सारे सवाल। बिल्कुल, अंजू ने अभी तक सच नहीं किया, हालांकि टीवी 9 में हमने एक्सक्लूसिवली तौर पर उसके निकाह नामे की कॉपी दिखाई थी और यहीं पे बात खत्म नहीं हुई थी। जो दीर के पुलिस के चीफ हैं उनकी तरफ से कंफर्मेशन हुई, उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि अंजू इस्लाम भी कबूल कर चुकी है और रसूलुल्लाह से शादी भी कर चुकी है। आज ये जो वीडियो टीवी 9 निकाल के लाया है और ये जो वीडियो हमने अभी दिखाया है, इससे ये बात 100% कंफर्म हो जाती है कि अंजू वहां पर मौजूद है। वो गिफ्ट भी ले रही है, उसको जो प्लाट गिफ्ट किया गया है वो भी रिसीव कर रही है, खुद रिसीव कर रही है, चेक भी रिसीव कर रही है, बाकी गिफ्ट भी ले रही है। और उसके सामने ये कहा भी जा रहा है, वो शख्स कह रहा है कि ये अंजू का ससुराल है और ये अब फातिमा बन चुकी है। तो ये बड़ी बहुत बड़ी है कंफर्मेशन, लेकिन अंजू अभी तक भी अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।